मैं हिंदी में बोलूंगा, आप क्षमा करेंगे। क्या हमारा देश विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है क्या? पिछले 10 साल के मेरे गुजरात के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि जी, यह देश बहुत बड़ी शक्ति बनकर के उभर सकता है। हमारे पास जो उपलब्ध शक्तियाँ हैं, जो उपलब्ध संसाधन है, उसका अगर हम गोल सेट करके बहुत ही सही तरीके से उपयोग करने का सामर्थ्य दिखाएं, तो हम परिवर्तन ला सकते हैं। कभी कभी चर्चा होती है गुजरात मॉडल के संबंध में। गुजरात ने जो कुछ भी अचीव किया है वो आप सबके सामने है, लेकिन मैं एक पहलू की ओर ध्यान देना चाहता हूं। एक बात के लिए गुजरात के संबंध में हम निर्विवाद पॉजिटिव सोच सकते हैं। बाय एंड लार्ज देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि छोड़ो यार, सब बेकार है, कुछ होने वाला नहीं है, क्या ये सरकारें क्या करने वाली है, छोड़ो यार। ये पूरे देश का मूड है और आज से नहीं, लंबे समय से है। गुजरात ने अगर दिया है तो ये दिया है कि यही सरकारी मैकेनिज्म, यही फाइलें, यही दफ्तर, यही अफसर, वही पुराने रिल्स एंड रेगुलेशन, उसके बावजूद भी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। गुजरात इज एग्जाम्पल। और उस अर्थ में मैं इसे कोई मॉडल के रूप में देखता है, मैं उस बहस में नहीं जाता हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि इससे एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारे देश में बहुत सामर्थ्य है, अगर सही ढंग से हम उस दिशा में थोड़ा चल पड़े। लोगों को लगता है कि अब पूरा फोकस वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, और ये सही है। सब दूर ये माना जाता है 21वीं सदी एशिया की सदी होगी, कोई कहता है चाइना की होगी, कोई कहता है हिंदुस्तान की होगी, लेकिन 21वीं सदी एशिया की होगी, इसमें कोई दुविधा कहीं पर नहीं आ रही है। अगर ये हो रहा है तो हमने हमारी सारी फ्यूचर स्ट्रेटेजी उस बात को केंद्रवर्ती रखते हुए, फोकस करते हुए करनी चाहिए। और जब चाइना और भारत की स्पर्धा की चर्चा होती हो, तब हमारी तीन शक्तियां ऐसी हैं जिसको हमने बल देना चाहिए, उस पर प्राउड करना चाहिए। एक हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा लोकतंत्र, ये हमारी बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी एसेट है, और पूरे विश्व के सामने उसको जितनी ताकत के साथ हम उभार सकते हैं हमने उभारना चाहिए। दूसरा है, जिसके हम भाग्यशाली इस पीढ़ी के लोग हैं, वो है हमारा यूथ पावर। हमारा जनरेशन यानी विद इन अ डेकेड 65% से ज्यादा लोग यानी युवाओं से भरा हुआ वो ये देश होगा। और दूसरी तरफ जो हमारी स्पर्धा में जिन देशों की चर्चा हो रही है, वहां एवरेज ओल्ड एज बढ़ रहा है, हमारा एवरेज यूथ पावर बढ़ रहा है। ये हमारा नेचुरल बेनिफिट है, उस पर हम कैसे ध्यान दें। और तीसरा एक क्षेत्र है जिसका हमने जितना अधिक हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम करें, जितना अधिक उसको ताकतवर बना सके बनाएं, और जिसके कारण लोगों का भरोसा बढ़े, वो है हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारी न्याय प्रक्रियाएं, न्याय प्रणाली। ये औरों से हमें अलग करती है, हमारी स्पर्धा में जो लोग हैं उनसे हमें अलग करती है। और अगर ये सामर्थ्य है तो उस सामर्थ्य की ओर हमने बल देना चाहिए। और हम जब यूथ पावर की बात करते हैं, तब
आज अमेरिका और यूएसए, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज आने वाले दिनों में करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को सेवाओं की उनको जरूरत पड़ने वाली है। क्या हम ये टारगेट कर सकते हैं? हम विश्व को जितना मैन पावर की जरूरत होगी हम उस मैन पावर को यहां तैयार करेंगे और विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति का काम हमारी धरती पर से करें। और अगर ये हमें करना है तो हमारी सारी व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। मैंने मेरा लिखित भाषण आप लोगों को सर्कुलेट किया है इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं जाता हूं, लेकिन हमने सिर्फ भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं न चलाएं, हम ग्लोबल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को चलाएं। हम ज्यादातर अगर हिंदुस्तान में, अभी एक मैंने सर्वे पढ़ा कि भारत में 90% लोग जो जॉब पा रहे हैं वो स्किल के आधार पर पा रहे हैं। मैं समझता हूं हमने पूरी योजना के साथ स्थिति को बदलना चाहिए। क्या हमारा अधिकतर यूथ स्किल के कारण जॉब प्राप्त करें कि नॉलेज के कारण करें? और हमारा फोकस होना चाहिए नॉलेज के आधार पर हम जॉब क्रिएशन कैसे करें। और ये साफ है, स्किल कैन गेट द जॉब बट नॉलेज कैन क्रिएट द जॉब। और इसलिए हमने नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की तरफ किस प्रकार से इसे आगे ले जाया जाए हमारी सारी व्यवस्थाओं को, और हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की कंपटीशन करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। दूसरा, नई जनरेशन एक नए रंग रूप से आ रही है। हम कह सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन इज ए नेट जनरेशन, यानी नेटिजन, पूरा ग्लोबल नेटिजन वर्ल्ड बन रहा है। छोटे से छोटा बच्चा भी टेक्नोलॉजी के सहारे इंफॉर्मेशन फ्लो के साथ तैर रहा है। अगर ये सामर्थ्य है उसके अंदर तो हम लोगों की हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं में बड़ा, अब जब गुजरात की चर्चा करते हैं, पिछले एक दशक में गुजरात ने एजुकेशन में जो इनिशिएटिव लिए हैं उसकी तरफ ध्यान देने जैसा है। अभी हमारा वाइब्रेंट समिट था, दुनिया के 33 कंट्रीज के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज को हमने इनवाइट किया था और हमारी यूनिवर्सिटीज के साथ उनकी मीटिंग की और हमने कहा भाई ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है, और हम हिंदुस्तान के रहते हुए आप लोगों के साथ मिलकर के हम इस प्रकार के मैन पावर को तैयार करने के लिए क्या कर सकते हैं। हमने उस दिशा में कदम उठाए हैं। गुजरात पहला स्टेट है दुनिया में जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। क्राइम की दुनिया बदल रही है और ऐसे समय हॉलैंड में बैठा हुआ व्यक्ति भी आपके बैंक में से आपका खाता साफ कर सकता है। ये अगर स्थिति है तो आपको सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। वी आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड हु स्टार्टेड द फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। मित्रों, पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस की चर्चा हो रही है, एनर्जी एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है, उसको ट्रीट करना है तो हमने उस प्रकार के मैन पावर को रेडी करना पड़ेगा। गुजरात जैसे जिसने पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनाई है और हम एनर्जी के सारे इश्यूज को हैंडल करने के लिए उस प्रकार के मैन पावर को तैयार करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। गुजरात दुनिया में पहला स्टेट है जिसने चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी की ओर सोचा है। एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्यूचर जनरेशन में एक बहुत बड़ा इशू आने वाला है और आज अगर हम उसको, क्योंकि परिवार टूटते चले जा रहे हैं, बच्चों को कहाँ ले जाना है, कौन देखभाल करेगा, एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा होने वाला है। और अगर अभी से एक्सपर्ट लोग बैठ करके उसके विषय में सोचेंगे नहीं तो हम एक कुएं के पास जड़े खड़े हो जाएंगे। और इसलिए हमने एक सोचा है उस दिशा में कदम, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी। यहाँ बैठे हुए कितने ही धनी परिवार के लोग होंगे, बुद्धिमान लोग होंगे, उनको पूछा जाए आपकी एक इच्छा क्या है, सबकी एक इच्छा ये रहेगी कि मेरे बेटे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले। हर माँ बाप का प्राइम एजेंडा है बेटे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब से गरीब माँ बाप भी चाहता है बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, और अच्छी शिक्षा अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार पर नहीं होती है, अच्छे टीचर के आधार पर होती है। हमारे देश में अच्छे टीचर बनाना एक मिशन तौर पर काम की आवश्यकता है। एंड गुजरात इज अ स्टेट, जैसे हम लोग IIM चलाते हैं, अब IIM CEO पैदा करते हैं, दुनिया को मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, दुनिया को टीचर्स की जरूरत है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए टीचर्स की जरूरत है। गुजरात ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन देश में पहली बार सिर्फ टीचर तैयार करने वाली यूनिवर्सिटी शुरू की है। 12th के बाद
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारा टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होगा, और उस ट्वेल्थ के बाद उस बच्चे को मालूम है कि मुझे टीचर बनना है, और हम बेस्ट टीचर, और मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि जब कैंपस इंटरव्यू होंगे, और जैसे IIM में कैंपस इंटरव्यू करके 1-2 करोड़ रुपयों से लोगों को वहाँ से ले जाया जाता है, वो दिन आएगा टीचर्स के कैंपस इंटरव्यू होंगे और टीचर्स को दुनिया लेने के लिए आएगी। ये बदलाव की आवश्यकता है, उस बदलाव की दिशा में हम प्रयास करें, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से आज चाइना 50,000 से ज़्यादा स्किल के उसके सिलेबस हैं, 50,000 से ज़्यादा। मुझे याद है 2 साल पहले हमारे NDC की मीटिंग में प्रधानमंत्री का भाषण हुआ है, नेट पर अवेलेबल है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हम 500 स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज शुरू करेंगे, और मैंने उस मीटिंग में कहा था, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी हम कहाँ जाके खड़े रहेंगे, मेरा गुजरात जैसा प्रदेश जो आज 2000 से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट के भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें चला रहा है, और हम अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं, अगर मेरे तरफ एक बार पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, तो मेरे ITI में पेट्रोलियम का विषय है, छोटा बच्चा भी जो गैस पाइपलाइन का काम करता है उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट की दिशा में भी काम करने की जरूरत होती है। उसी प्रकार से हमारे देश में लोकतंत्र में जन भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र का रूप ये बना हुआ है कि वोट दे दो, और वोट देने के बाद 5 साल के लिए उस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि भाई तुम देश को आगे ले जाना, और 5 साल के बाद ठीक नहीं लगा तो दूसरे को ले आएंगे। मैं समझता हूं हमने लोकतंत्र का बड़ा सीमित अर्थ कर दिया है। आजादी के आंदोलन की तरफ देखें, 1857 से देश को आजाद कराने के लिए मरने वालों की कमी नहीं थी। हर साल कहीं न कहीं कोई न कोई देश की आजादी के लिए शहादत मोलता था। क्रांतिकारी एक के बाद एक निकल रहे थे, और कभी अंग्रेजों को उससे परेशानी नहीं थी। 2-4 लोगों को फांसी पर लटका देते थे, अपना गाड़ी चला लेते थे। देश में 1857 से लेकर के हमेशा आजादी की ललक रही, लोग मरने वाले भी मिले, लेकिन गांधी का जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था वो ये था कि उन्होंने आजादी को जन आंदोलन बना दिया, और जन आंदोलन के कारण अंग्रेज लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। ये कैसे, कोई झाड़ू लगाता है कहता है मैं देश की आजादी के लिए कर रहा हूं, कोई चरखा चला रहा है कह रहा है मैं आजादी के लिए कर रहा हूं, कोई खादी पहन रहा है कि मैं आजादी के लिए कर रहा हूं, कोई किसी को पढ़ा रहा है तो मैं आजादी के लिए कर रहा हूं, यानी एक जन आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया। जन आंदोलन ने देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मुझे लगता है भारत को विकास के लिए भी विकास एक जन आंदोलन बनना चाहिए, डेवलपमेंट एक मास मूवमेंट बनना चाहिए। हर इंसान को सपना होना चाहिए, हर इंसान को जोड़ना चाहिए, और गुजरात के अंदर मैंने जन आंदोलन के इस प्रयोग के माध्यम से बहुत तेजी से गोल अचीव किए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अभी हमने तय किया, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के इतने सारे होल्ला चलते रहते हैं, हमने कहा हम सोलर एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया के सामने कुछ लेके जाएंगे। हमने कम से कम दिन में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट डालने का तय किया। जमीन पसंद करने से लेकर के बिजली उत्पादन करने तक हार्डली 102 डेज में 1 मेगावाट सोलर पार्क बना करके देश को डेडिकेट कर दिया, विद इन 102 डेज। ये कैपेसिटी है हमारे देश के, सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य का हमने एक बार काम तय किया, पानी बचाने के लिए अभियान चलाना, 100 डेज का प्रोग्राम बनाया। 100 डेज में 1,37,000 खेत तालाब बनाए। जन आंदोलन के माध्यम से इतनी तेजी से काम होता है और इतना परिणामकारी होता है। अभी मैं माल न्यूट्रिशन के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने गांव के लोगों को कहा भाई हमारे यहाँ दूध की डेयरी है, दूध का अच्छा नेटवर्क है, आप दूध भरने के लिए आते हैं तो तब एक खाली कैन वहां रखो, लोगों को कहो इसमें भगवान का हिस्सा थोड़ा दान देते चलो, और जो गांव में गरीब बच्चे हैं जिनका न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है वहीं पर यह दूध उनको पिला दीजिए। मेरे राज्य में एक मास मूवमेंट के रूप में काम चल रहा है, और गांव के गरीबों की सूची डेयरी वालों के पास होती है। सुबह कोई 50 ग्राम, कोई 100 ग्राम दूध डोनेट करता है, उन गरीब बच्चों को पिलाते हैं, कोई टेंडर नहीं निकालना पड़ता है। भाई भतीजे का जब तक टेंडर ना हो तब तक टेंडर खुलता नहीं है।
सब दुकानें बंद और गरीब के पेट में दूध जा रहा है। अगर हम जन आंदोलन खड़ा करते हैं, लोगों के प्रति विश्वास, हां भाई हमको करना है, हम आगे बढ़ेंगे। गुजरात की आज प्रगति की सबसे बड़ी एक जो ताकत है तो वो जन आंदोलन के रूप में खड़ा किया है। मुझे याद है 2001 का जो सेंसस आया था और जिसका रिपोर्ट आते आते 2004 हो गई इस टेक्नोलॉजी के युग में, और 4 में मैंने इसको देखा और मैं हैरान हो गया कि मेरे राज्य में जेंडर इनइक्वेलिटी मैंने परेशान करने वाला था। 1000 बच्चों के बीच में 814 लड़कियां थी, यह चौंका देने वाली बात थी। हमने पूरे 5 साल एक जन आंदोलन खड़ा किया बेटी बचाओ, और 5 साल के लगातार प्रयास का परिणाम यह हुआ कि आज हम 1000 लड़कों के सामने 920 के करीब 24 के करीब हम पहुंच गए हैं, और मेरी कोशिश है 1000 लड़के पैदा होंगे, 1000 लड़कियां पैदा हो, ये स्थिति हम सोशल इक्वेलिटी का ला करके रहेंगे। और ये जन आंदोलन से हो रहा है। विकास को अगर हम जन आंदोलन बना दें तो हम बहुत इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात की पहचान है पुराने समय से एक ट्रेडर स्टेट की। गुजरात कभी इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं था दोस्तों, एक एक एक, एक ऐसा भ्रम भरा चलता रहता है। हम 1960 में जब महाराष्ट्र से अलग हुए तब तो लोग हम पर दया करते थे, गुजरात कैसे चलेगा, ये गुजरात क्यों अलग बना रहे, इनके पास है क्या, और सच्चाई ये थी। वैसा प्रदेश आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लीड कर रहा है। लेकिन एक विषय जो लोगों के ध्यान में बहुत कम है वो है एग्रीकल्चर। गुजरात कभी एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका नामो निशान नहीं था। राजस्थान और गुजरात की गिनती हमेशा रेगिस्तान वाले प्रदेश की वाली होती थी, और हमारी तो हालत यही थी, बगल में रेगिस्तान उधर देखो तो पाकिस्तान, तो ऐसे ही हमारी हालत थी। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अभियान चलाया, रिवर ग्रिड का अभियान चलाया, ड्रिप इरिगेशन से पानी उपयोग का अभियान चलाया, एग्रोटेक का सहारा लिया, 1 में से 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां खड़ी की, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खड़े की एग्रीकल्चर सेक्टर में। इन सबका नतीजा यह हुआ हिंदुस्तान एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% तक पहुंचाने के लिए पिछले 20 साल से मेहनत कर रहा है। लास्ट 20 ईयर्स हर सरकार ने घोषणा की है कि हम एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% ले जाएंगे, अभी 2.5% से आगे बढ़ नहीं पाए हैं। गुजरात इज एक्सेप्शनल केस, पूरा डेकेड हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ है 9.6% एंड लास्ट 5 ईयर का मेरा एग्रीकल्चर ग्रोथ है 12.8%। हम कभी उस क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन उस चीजों को भी बदला जा सकता है जहां हम नहीं थे, और हमने हमारा विकास का जो मॉडल बनाया है 1/3 इंडस्ट्री, 1/3 एग्रीकल्चर एंड 1/3 सर्विस सेक्टर। हम अभी टूरिज्म पर बल दे रहे हैं, इस वर्ष हम अभी धीरे धीरे टूरिज्म मैप पर हमारी जगह बन रही है। पहले हम गुजराती जान बेस्ट टूरिस्ट, लेकिन गुजरात वॉज नॉट अ बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उस स्थिति को हम बदल रहे हैं, कुछ और भी मदद ले रहे हैं बाहर से मित्रों की, और इस वर्ष का मेरा टूरिज्म का ग्रोथ 40% है। लेकिन मैं इसको इसलिए बल नहीं देता क्योंकि अभी भी शुरू हुआ है, तो अभी तो ग्रोथ दिखेगा, लेकिन हम सस्टेन करेंगे। तो हम सर्विस सेक्टर को बल देना चाहते हैं। और मित्रों, हिंदुस्तान के तिरंगा का रंग, उस तिरंगे को धरती पर उतारने का काम हमने गुजरात की धरती पर किया है। सच्चे अर्थ में डेवलपमेंट को हमने तिरंगे रंग के साथ जोड़ करके काम किया है। हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन किया। आज आप सिंगापुर जाएंगे चाय पियोगे तो मैं दावे से कहता हूं चाय में दूध गुजरात का होगा। ये तरक्की हुई है जी। आज अमूल एक वर्ल्ड वाइड उसकी नाम हो गया है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन करके हमने तिरंगे रंग का सफेद रंग धरती पर साकार किया है। हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया एग्रीकल्चर सेक्टर में 9.6% ग्रोथ करके। एक समय था 2002-03 में हमारे राज्य में एग्रीकल्चर इनकम 9000 करोड़ थी,
आज हमारी एग्रीकल्चर इनकम 50,000 करोड़ रुपीज है मित्रों। वन कैन इमेजिन किस प्रकार से बदलाव लाया जा सकता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप यूरोप में कभी कहीं बाजार में जाकर के किसी होटल में भिंडी खाते हो तो आप लिख के रखना वो भिंडी बारडोली से आई है। आप अफगानिस्तान में जाकर के टमाटर खा रहे हो तो लिख करके रखना वो अफगानिस्तान में टमाटर जो मिल रहा है वो बनासकांठा से आया है। इतनी बड़ी मात्रा में गांव के किसान एक्सपर्टाइज के साथ आगे कर रहे हैं। हमने हरा रंग धरती पर उतारा है, हम केसरिया रंग को धरती पर उतारने में लगे हुए हैं और केसरिया रंग रिप्रेजेंट्स एनर्जी। मित्रों हम क्लाइमेट, वी आर ओनली अ स्टेट इन द कंट्री एंड वी आर द फोर्थ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड जिसने क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट बनाया है। हमारा सेपरेट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है और हमने ऑल्टरनेट एनर्जी पर काफी काम किया है। 2002-03 में मेरे यहाँ लोग शिकायत करते थे कि मोदी जी शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, ये मांग थी मेरे यहाँ। आज गुजरात में 24 आवर 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर हर गांव में उपलब्ध है, हर जगह पे उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हम लोग आज एनर्जी सरप्लस हो गए हैं और पिछले वर्ष हमने 12 राज्यों को 12 स्टेट को करीब 2,500 मिलियन यूनिट बिजली बेची है। यानी डेफिसिट से सरप्लस होकर के देश को स्ट्रेंथन करने में कैसे काम आना। और उसके साथ हमने एक काम किया है, सोलार एनर्जी। गुजरात दुनिया का सबसे सोलार कैपिटल बन रहा है, बहुत बड़ा सोलार हब हमारा बन रहा है और ऑलरेडी काम चल रहा है, मैं सपने नहीं बता रहा हूं। मित्रों हम एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम में, गुजरात इज ओनली स्टेट जहां 2200 किलोमीटर गैस ग्रिड है। गांव में भी कई गांव ऐसे हैं कि जहां किचन में टैप से गैस आता है। 2200 किलोमीटर गैस ग्रिड का काम मैंने पूरा कर दिया है। गुजरात इज ए स्टेट कि जहां हर गांव में, अभी आपने बजट में सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम देश के गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे, अभी घोषणा हुई है। मेरे यहां 2 साल से सब गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। मित्रों इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप रंग बदल चुके हैं। कोई एक जमाना था रोड, रेल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, यही इंफ्रास्ट्रक्चर। युग बदल चुका है, हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है, गैस ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल बनता जा रहा है। और इस प्रकार से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप रंग को भी बदल दिया है। भाइयों बहनों, विकास की दिशा में हमने जिस प्रयासों को आरंभ किया है उस प्रयासों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है और उस विकास का परिणाम यह है। अभी एक नई स्कीम हम लाए हैं, मिशन मंगलम, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के लिए योजना है, अभी इसी बजट में हम उसको लाए हैं। गांव में गरीब परिवार की महिलाओं के छोटे छोटे ग्रुप बना करके उनको बैंक लिंकेज देना अभी शुरू किया है। इस वर्ष हम करीब 1,000 करोड़ रुपीस इन गरीब महिलाओं के हाथ में दे रहे हैं और विद इन 2 ईयर्स 5,000 करोड़ रुपीस इसका पूरा कारोबार गांव की और शहर की गरीब महिलाओं के मंडलों के पास होगा। आप कल्पना कर सकते हो इस एम्पावरमेंट के कारण कितना बड़ा बदलाव आएगा। और पहली बार देश में हमने एक ऐसा मॉडल दिया है जिसमें गवर्नमेंट, कॉरपोरेट हाउसेस एंड ये सखी मंडल, इन 3 की पार्टनरशिप का मॉडल बनाया है। और कॉरपोरेट हाउसेस भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको जिस प्रकार का माल चाहिए उसको वो सखी मंडलों को काम दे करके गारंटी दे रहे हैं और उसके कारण ये मल्टीप्लाई होने वाला है। तो एक नया मॉडल माइक्रो फाइनेंस को लेकर के और उसके साथ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग और उसको मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड को जोड़ना, एक नए विजन के साथ मिशन मंगलम काम लेकर के हम आए हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में गुजरात के प्रयास देश की सेवा के काम आएंगे। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे बताया गया कि भाषण कम करना, सवाल ज़्यादा आएंगे। मेरे पास जो जानकारियां होगी वो देने का मैं प्रयास करूंगा। आपको कन्विंस करना है ये तो मेरा दावा नहीं है,
लेकिन जो कन्विंस होना चाहते हैं वो गुजरात एक बार आ जाएं, जरूर कन्विंस हो जाएंगे। So before we open the house for questions, there's one question that I'd like to ask. And Modi ji, ये हिंदी में। आपने जो विकास की छवि रखी है, जो बातें करते हैं आप, पूरी दुनिया उसे समझती है, आपकी तारीफ करती है। लेकिन कहीं न कहीं एक छवि है जो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। हर बार कहीं न कहीं अखबार की सुर्खियों में वो बात आ ही जाती है। 27 फरवरी 2002 क्या वाकई में वो मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम बातें आपके बारे में कही जाती हैं? और क्या वाकई में जिन चीज़ों के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है आप जिम्मेदार हैं? ये विषय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो SIT बनाई है उसने सारे सवाल मुझे पूछे हैं। सारे सवालों के जवाब मैंने सुप्रीम कोर्ट की उस SIT को दिए हैं। और एक जिम्मेवार नागरिक के नाते मेरा दायित्व बनता है कि इस विषय में अब सुप्रीम कोर्ट ही कहे तो अच्छा होगा, मैं कहूँ तो अच्छा नहीं होगा। थैंक यू।